रूस और यूक्रेन जंग और खतरनाक होती जा रही है। युद्ध से यूक्रेन को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन के हजारों सैनिक जंगी मैदान में मारे जा चुके हैं। यूक्रेन को अब हथियारों के साथ साथ सैनिकों की भी कमी से जूझना पड़ रहा है। इसके चलते यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अनिवार्य सैन्य सेवा को और कठोर बनाने पर मजबूर हुए। कीव अपनी भर्ती प्रणाली में बदलाव कर रहा है। इस बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने चौंकाने वाला बयान देकर आम यूक्रेनियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अब यूक्रेन अपनी पूरी जनता को युद्ध के मैदान में उतारने की तैयारी में है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता दिमित्री लाजुटकिन ने कहा कि रूस को हराने के लिए पूरे यूक्रेनी समाज को बलिदान देने का वक्त आ गया है। यूक्रेन के लोगों को अपने शांतिपूर्ण जीवन को भूलने की जरूरत होगी। आने वाली 18 मई से मोबिलाइजेशन कानून लागू होगा। इससे युद्ध को लेकर सारा नजरिया बदल जाएगा। जहां कुछ लोग फ्रंट लाइन में जंग लड़ रहे हैं, वहीं बाकी लोग अपना शांत जीवन बिता रहे हैं। ये हालात जल्द खत्म हो जाएंगे। कीव में जीवन देश के पूर्वी इलाके के हालात से काफी अलग है, असामान्य है। अगर हमारा दुश्मन कमजोर होता है तो ये सामान्य बात होगी, मगर ऐसे दुश्मन के साथ पूरे देश और समाज को संगठित होने की जरूरत है। अगर हमारा दुश्मन कमजोर होता तो ये एक सामान्य बात होती, मगर ऐसे दुश्मन के साथ पूरे देश और पूरे समाज को संगठित होने की जरूरत है। बताया जा रहा है कि सरकार की इस मंशा को देख यूक्रेन के लोग खासे चिंतित हैं। खास तौर से यूक्रेन की पुरुष आबादी की बेचैनी बढ़ गई है। जहां यूक्रेन के लोग अनिवार्य सेना भर्ती में बदलाव को लेकर पहले से निराश हैं। इस बीच रक्षा मंत्रालय के इस खौफनाक बयान ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। रूस के अनुमान के मुताबिक फरवरी 2022 में जंग शुरू होने के बाद से यूक्रेन करीब 5 लाख घायलों और मारे गए सैनिकों की भरपाई के लिए काफी समय से बेताब बैठा है। रूस के पूर्व रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने बताया कि यूक्रेन ने अकेले 2024 में ही अपने 1,11,000 से ज्यादा सैनिकों को खो दिया है। हालांकि इस आंकड़े पर यूक्रेन ने अभी चुप्पी साध रखी है। इसके बाद से ये अंदेशा जताया जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध में कीव को भारी मात्रा में जानमाल का नुकसान पहुंचा है। पिछले महीने यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सेना में भर्ती नियमों में बदलाव किया था। नए कानूनों के तहत यूक्रेन में सेना से जुड़ने की अनिवार्य उम्र को घटाकर 25 साल कर दिया गया। इसके अलावा जंगी हालात में शामिल होने से बचने के लिए यूक्रेन के युवा कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, जिस पर लगाम कसने के लिए यूक्रेन ने भी कई कदम उठाए हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने काउंसलर सर्विस को निलंबित कर दिया है। नए कानून के मुताबिक मिलिट्री रजिस्ट्रेशन नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना बढ़ाकर $520 कर दिया गया है। यूक्रेनी अधिकारियों ने बैंक खातों को ब्लॉक करने और सैन्य सेवा से बचने की कोशिश करने वालों की संपत्ति पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। बताया तो ये भी जा रहा है कि यूक्रेन के कड़े कदमों के चलते देश से भागने की चाह रखने वाले यूक्रेनी पुरुषों में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ है। बॉर्डर सर्विस के प्रवक्ता एंड्री डेमेंचको ने हाल में खुलासा किया था कि हर दिन करीब 120 से 150 लोग अवैध रूप से यूक्रेन छोड़ने की कोशिश करते हुए पकड़े जाते हैं, जबकि अवैध तरीके से बॉर्डर करने के प्रयासों में मारे भी जाते हैं।